अंजू और सीमा हैदर में उलझे रहे लोग। शाहजहांपुर में साउथ कोरिया से आई बहू, शहर में हो गया शोर। एक और अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की चर्चा लगातार बनी हुई है। उधर सीमा हैदर जैसा एक और मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सामने आया है। अपने प्यार को पाने के लिए साउथ कोरिया की लड़की शाहजहांपुर पहुंच गई। साउथ कोरिया की 23 साल की लड़की किम बो नी को शाहजहांपुर का लड़का सुखजीत सिंह इतना पसंद आया कि वे दोनों देशों की सीमा पार कर गई और भारत आ गई। शाहजहांपुर पहुंचने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। दोनों ने शाहजहांपुर के गुरुद्वारे में साथ फेरे लिए। इस अनोखी शादी की इस समय खूब चर्चा हो रही है। इस शादी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सभी सदस्य शादी समारोह में शामिल होने आए थे। साउथ कोरियन बहू को भारतीय संस्कार और परंपराएं खूब भा रहे हैं। दोनों के बीच 2 साल पहले साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट में शुरू हुआ प्यार रविवार को शादी तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक पुवाया तहसील के उदना गांव के रहने वाले सुखजीत सिंह 6 साल पहले साउथ कोरिया में नौकरी करने गए थे। वे बुसान शहर के एक कॉफी रेस्टोरेंट में काम करते थे। इसी रेस्टोरेंट में 23 साल की किम बो नी भी जॉब करती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। साउथ कोरिया की लड़की सुखजीत को बेइंतहा प्यार करने लगी। इसी बीच 6 महीने के लिए सुखजीत भारत अपने घर आए थे। किम बो नी जब सुखजीत से दूर नहीं रह पाई तो वे भी भारत आ गईं और शाहजहांपुर सुखजीत के घर पहुंच गईं। किम बो नी को अपने घर पर देखकर सुखजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 दिन पहले सुखजीत सिंह ने अपनी प्रेमिका से सिख रीति रिवाज से गुरुद्वारे में धूमधाम से शादी कर ली। किम अब सुखजीत के घर पर रह रही हैं। उन्हें यहाँ के घर, सड़कें, खेत खलिहान और लोग खूब भा रहे हैं। शादी के बाद दोनों बेहद खुश हैं। परिवार वाले भी साउथ कोरियन बहू पाकर खुश हैं। सुखजीत सिंह का कहना है कि अब वो किम बो नी साथ साउथ कोरिया में ही बसना चाहते हैं।